Hello everyone. So today we will discuss about the quality assurance. So quality assurance is the quality assurance is to provide a higher quality of care, and it is necessary that the nurses develop standard of patient care and appropriate evaluations tool so that professionals aspect of nursing involving intellectual and interpersonal activities. Okay, तो क्वालिटी एश्योरेंस क्या है आपका, जिसमें पेशेंट्स को क्या दी जाती है, हाई क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड किया जाती है, स्टैंडर्ड केयर प्रोवाइड की जाती है पेशेंट्स को, ताकि जो उनकी हेल्थ में है वो क्या हो सके, इम्प्रूवमेंट हो सके. सो जो आपके प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स होते हैं नर्सिंग इन्वॉल्विंग इंटेलेक्चुअल एंड इंटरपर्सनल एक्टिविटीज़, मीन्स जो हमारा रिजल्ट है वो हमें बेटर रिजल्ट मिले. क्यों, कैसे मिलेगा, अगर हम हाई क्वालिटी केयर प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को. सो वट फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो वट इज़ क्वालिटी. सो क्वालिटी इज इट इज़ अ डिग्री टू विच हेल्थ सर्विसेज टू सॉरी हेल्थ सर्विसेज फॉर द इंडिविजुअल एंड पॉपुलेशन इंक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ डिजायर्ड हेल्थ आउटकम्स एंड आर कंसिस्टेंस विद करंट प्रोफेशनल नॉलेज. एंड वट इज एश्योरेंस. सो एश्योरेंस इज इट इज़ अ स्टेटमेंट और इंडिकेशंस दैट इंस्पायर्स द कॉन्फिडेंस. ओके, सो दैट इज एश्योरेंस. एश्योरेंस क्या होता है, आपको जो हमारे कॉन्फिडेंस को क्या करता है, इंस्पायर करता है. ये इंडिकेशंस होते हैं, हमारा फोकस किस पे होता है, अपने स्टैंडर्ड ऑफ केयर पे. सो वट इज क्वालिटी एश्योरेंस. सो क्वालिटी एश्योरेंस इज एन ऑन गोइंग सिस्टमैटिक कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशंस ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज एंड इम्पैक्ट ऑफ दोज सर्विसेज ऑन हेल्थ केयर सर्विसेज. सो क्वालिटी एश्योरेंस इज डिफाइंड एज ऑल एक्टिविटीज अंडरटेकन टू प्रिडेट एंड प्रिवेंट द पुअर क्वालिटी ऑफ केयर. ओके, क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है, जो पुअर क्वालिटी ऑफ केयर है उसको क्या करना, मेंटेन करना, क्वालिटी ऑफ केयर में क्या करना, इम्प्रूव करना, ताकि पेशेंट्स को बेटर क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड की जा सके. सो WHO ने 1992 में डिफाइन किया था द क्वालिटी एश्योरेंस आर मेकिंग श्योर दैट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द हॉस्पिटल आर द बेस्ट पॉसिबल इन अ गिवन एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज एंड द करंट मेडिकल नॉलेज. सो देर आर सम ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस. द फर्स्ट वन इज टू एंश्योर द डिलीवरी ऑफ क्वालिटी क्लाइंट केयर. ओके, जो भी हम केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एंश्योर व्हाट टाइप ऑफ केयर वी आर प्रोवाइडिंग टू द पेशेंट्स. ओके, टू डेमोन्स्ट्रेट द एफर्ट ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स टू प्रोवाइड गुड रिजल्ट्स. एंड कोई भी हम केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फॉर्मुलेट द प्लान. ओके, देन इवेलुएट अचीवमेंट ऑफ नर्सिंग केयर एंड टू सपोर्ट द डिलीवरी ऑफ नर्सिंग केयर विद द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजरियल सर्विस एंड टू एक्सप्लेन द क्वालिटी एश्योरेंस मॉडल एज द प्री रिक्विस्ट फॉर द क्वालिटी नर्सिंग केयर एंड टू स्टेट द कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रोफेशनल कंडक्ट फॉर नर्सेज इन इंडिया. क्वालिटी ऑफ केयर हम क्यों करेंगे, अगर हम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, लाइक हम CNE ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हमें स्टाफ को भी क्या करना है, एजुकेट करना है, स्टैंडर्ड्स के बारे में बताना है, स्टैंडर्ड्स केयर के बारे में बताना है. सो देर आर सम प्रिंसिपल्स ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस. द फर्स्ट वन इज कस्टमर फोकस. ठीक है, हमारा फोकस किस पे होना चाहिए, पेशेंट्स केयर पे विद द स्टैंडर्ड एंड रिसेंट मेडिकल नॉलेज के बेसिस पे हमारा क्या होना चाहिए, फोकस होना चाहिए पेशेंट्स पे. लीडरशिप, लीडरशिप क्या करता है, इट हेल्प्स टू इनकलकेट क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप इन स्टाफ. देन द नेक्स्ट इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल. सो इट शुड इन्वॉल्व मैक्सिमम नर्सिंग स्टाफ सो दैट स्टैंडर्ड कैन बी मेंटेन्ड. ओके, सो प्रोसेस अप्रोच,
कैसे प्रोसेस होनी चाहिए आपकी वहाँ पे, सिस्टमैटिक एंड प्लान्ड मैनर में, ताकि आप पेशेंट को क्या करें, क्वालिटी प्रोडक्ट क्वालिटी प्रॉपर क्वालिटी केयर प्रोवाइड कर सके। सो इट एक सिस्टमैटिक वे में होना चाहिए, जैसे लाइक हम पहले असेसमेंट करेंगे, देन हम गोल सेट करेंगे, देन हम प्लानिंग, देन इम्प्लीमेंट एंड आफ्टर दैट इवेल्युएशन। एंड द नेक्स्ट इज फैक्चुअल अप्रोच टू डिसीजंस मेकिंग। सो देयर शुड बी अ फैक्टर फैक्टर एप्रोप्रिएट रीजन इन टेकिंग सर्टेन डिसीजंस फॉर क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ पेशेंट। सो दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। द नेक्स्ट इज अप्रोचेस फॉर क्वालिटी एश्योरेंस। सो देर आर टू अप्रोचेस फॉर क्वालिटी एश्योरेंस। द फर्स्ट वन इज जनरल अप्रोच एंड द सेकेंड वन इज स्पेसिफिक अप्रोच। सो वी विल डिस्कस वन बाई वन। द फर्स्ट वन इज जनरल अप्रोच। जनरल अप्रोच क्या है आपकी, इट इन्वॉल्व्स अ लार्ज गवर्निंग ऑफ ऑफिशियल बॉडीज, इवेल्युएशंस ऑफ पर्सन्स और एजेंसीज एबिलिटी टू मीट स्टैंडर्ड एट अ गिवन टाइम। जो भी आपको टाइम पीरियड दे रखा है उस टाइम पे आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड ऑफ केयर प्रोवाइड करनी है। सो इन जनरल अप्रोच द फर्स्ट वन इज क्रेडेंशियलिंग, द सेकेंड वन इज एक्रेडिटेशन, सर्टिफिकेशंस एंड द license। So the first one is credentiality। So it is a process of determining and maintaining nursing standard। Okay, हमें क्या करना है, जो nursing standard है उसको क्या करना है, maintain करना है, credentialing। So the second one is license। So individual's license is a contract between professions and state in which profession is granted control over entry into a exist from profession and over quality of profession professional practice। individuals के पास क्या होना चाहिए, उसका license, जैसे हमारा registrations होता है ना, registered number होता है हमारा, तो हम क्या है, registered nurse। तो सेम यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, लाइसेंस। ये नहीं है कि बिना लाइसेंस के या बिना रजिस्ट्रेशंस के आप क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो यू कांट प्रोवाइड द बेटर क्वालिटी ऑफ केयर एंड यू कांट मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ नर्सिंग। द नेक्स्ट इज एक्रेडिएशन। एक्रेडिएशन इज व्हाट, इट इज द एक्ट ऑफ ग्रांटिंग क्रेडिट और रिकॉग्निशन स्पेशली टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दैट मेंटेन द सुटेबल स्टैंडर्ड। ओके, तो एक्रेडिएशंस क्या होता है हमारा, जो क्या क्या जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को दिया जाता है, ताकि वो क्या कर सके, स्टैंडर्ड मेंटेन कर सके, जो हमारा सुटेबल स्टैंडर्ड है। सर्टिफिकेशन। सो सर्टिफिकेशन इज यूजुअली अ वॉलेंट्री प्रोसेस विद इन द प्रोसेशन सॉरी प्रोफेशन एंड अ पर्सन्स एजुकेशनल अचीवमेंट एक्सपीरियंस एंड परफॉर्मेंस ऑन द एग्जामिनेशन आर यूज टू डिटरमाइन पर्सन्स क्वालिफिकेशंस फॉर फंक्शनिंग इज एन आइडेंटिफाइड स्पेशलिटी एरिया। ओके, जैसे कोई चाइल्ड हेल्थ वाला है या कोई मेंटल हेल्थ वाला है, तो उसके पास क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेशन होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, ताकि वो स्पेसिफिक एरिया पे क्या कर सके, स्पेसिफिक केयर प्रोवाइड कर सके। द नेक्स्ट इज स्पेसिफिक अप्रोचेस। सो क्वालिटी एश्योरेंस आर मेथड यूज्ड टू इवेलुएट आइडेंटिफाई इंस्टेंसेस ऑफ प्रोवाइडर एंड क्लाइंट इंटरेक्शन। सो इन दिस पीयर रिव्यू, यूटिलाइजेशन रिव्यू, evaluation study, client satisfaction and incident report। So first is peer review। peer review क्या होता है आपका, these are the designed to monitor client specific aspect of care। okay, हम क्या करते हैं, जो specific care उसको क्या करते हैं, monitor करते हैं, of a care appropriate of certain level of care एंड द ऑडिट इज यूज बाय द पेयर रिव्यू कमिटी टू असर्टेन क्वालिटी ऑफ केयर। द नेक्स्ट इज यूटिलाइजेशन रिव्यू। यूटिलाइजेशन दो एक्टिविटीज आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स द एश्योरिंग दैट द केयर एक्चुअली नीडेड एंड दैट द कॉस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द लेवल ऑफ केयर
प्रोवाइडेड मीन्स जो एक्चुअल में पेशेंट्स को क्या होती है, नीट होती है, उसको हम क्या करते हैं, एश्योर करते हैं, तक मीन्स इससे क्या होता है आपका कॉस्ट अप्रोप्रिएट होती है फॉर द लेवल ऑफ केयर प्रोवाइडेड. देर आर सम टाइप्स ऑफ यूटिलाइजेशन रिव्यू. द फर्स्ट वन इज प्रोस्पेक्टिव, कंक्रंट एंड द रेट्रोस्पेक्टिव. जो प्रोस्पेक्टिव होता है आपका, ये असेसमेंट होता है जो हम बिफोर केयर गिविंग सर्विसेज, बिफोर प्रोवाइडिंग द केयर टू द पेशेंट, जो भी नेसेसरी होता है उसको हम क्या करते हैं, असेस करते हैं. दैट इज प्रोस्पेक्टिव बिफोर द केयर. द नेक्स्ट इज कंकरेंट. सो अ रिव्यू ऑफ द नेसेसिटी ऑफ केयर वाइल द केयर इज बीइंग गिवन. ओके. एंड रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है आपका, इट इज़ द एनालिसिस ऑफ द नेसेसिटी ऑफ द सर्विसेज रिसीव्ड बाय द क्लाइंट आफ्टर द केयर हैज़ बीन गिवन. ओके. बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर, तीनों में क्या करेंगे, हम असेसमेंट करेंगे, रिव्यू करेंगे. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ यूटिलाइजेशन रिव्यू, प्रोस्पेक्टिव, कंकरेंट एंड रेट्रोस्पेक्टिव. द नेक्स्ट इज इवेल्युएशन स्टडीज. So in this there are three major models have been used to evaluate the quality of care. They are, that is, Donovan Evidence Structural Process Outcome Models, the Treasurer Model, and the next is Sentimental Model. Okay. तो Donovan Evidence Structural Process Outcomes Model में क्या, इसमें तीन चीज़ें होती हैं आपका, structure, process and outcome. स्ट्रक्चर्स में हम क्या देखेंगे, जो भी मीन्स उसकी फिजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स से वेयर द हेल्थ कैन अकर्स, सॉरी वेयर द हेल्थ केयर अकर्स, तो हम वो फाइंड. प्रोसेस में हम क्या करेंगे, जो भी फोकस ऑन द केयर डिलीवर टू द पेशेंट, जो भी पेशेंट ने केयर, जो भी हमने पेशेंट को केयर प्रोवाइड करी है उस पर क्या होता है हमारा फोकस होता है, जो भी सर्विसेज और ट्रीटमेंट पेशेंट को डिलीवर्ड हुए हैं. आउटकम मतलब रिजल्ट. इफेक्ट ऑफ हेल्थ केयर ऑन द स्टेटस ऑफ पेशेंट एंड पॉपुलेशन, जो केयर हमने प्रोवाइड करी है उसका पेशेंट पे क्या इफेक्ट पड़ा है, हमें क्या आउटकम मिला है उसका. तो दीज आर द डोनोवन एविडेंस स्ट्रक्चर प्रोसेस आउटकम मॉडल. तो फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चर, देन प्रोसेस एंड आउटकम. स्ट्रक्चर जो भी हम प्लानिंग करेंगे, जो भी हम गोल सेट करेंगे, देन प्रोसेस जो भी हम केयर क्या करेंगे प्रोवाइड करेंगे, एंड द आउटकम जो हमारा रिजल्ट आएगा. द नेक्स्ट इज द ट्रेजर मेथड्स एंड द नेक्स्ट इज सेंटिनल मेथड्स. द ट्रेजर मेथड इज मेजर बोथ प्रोसेस एंड आउटकम ऑफ केयर एंड प्रोवाइड नर्सेज विद डेटा टू शो द डिफरेंसेज इन आउटकम एज अ रिजल्ट ऑफ नर्सिंग केयर स्टैंडर्ड. एंड सेंटिनल मेथड्स में क्या कहते हैं, इट इज़ एन आउटकम मेजर फॉर एग्जामिन स्पेसिफिक इंस्टेंट ऑफ क्वालिटी केयर. ठीक है, इसमें आपका प्रोसेस एंड आउटकम हो रहे पे मेजर किया जा रहा है, लेकिन इसमें हम सिर्फ क्या मेजर करेंगे, सेंटिनल मेथड्स में आउटकम मेजर करेंगे फॉर एग्जामिन द स्पेसिफिक इंस्टेंस ऑफ क्लाइंट केयर एंड एग्जाम्पल केस ऑफ डिसेबिलिटी, डेथ, मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी एक्सेट्रा. सो दीज आर द मैथड्स ऑफ इवेल्युएशन स्टडीज, डोराबेडन, द ट्रेशर मॉडल एंड द सेंटिनल मैथड. द नेक्स्ट इज क्लाइंट सेटिस्फेक्शन. ओके, मीन्स जो भी केयर हम प्रोवाइड कर रहे हैं पेशेंट को, पेशेंट क्या होना चाहिए इसमें, सेटिस्फाइड होना चाहिए. इट कैन बी असेस यूजिंग द पर्सन्स और टेलीफोन इंटरव्यू एंड द मेल्ड क्वेश्चनायर. ओके. एंड इंसिडेंट रिव्यू. इंसिडेंट मतलब द क्रिटिकल इंसिडेंट्स मे बी डिलेड अटेंडेंस, इनकरेक्ट मेडिकेशंस, लैक ऑफ क्लीनिनेस, लैक ऑफ असेप्सिक टेक्निक लीडिंग टू इन्फेक्शन, केयरलेसनेस इन केयरिंग आउट नर्सिंग प्रोसीजर्स. ठीक है, इंसिडेंट्स कैसे हो सकता है आपका, या तो आपने जैसे पेशेंट्स को इनकरेक्ट मेडिकेशंस दे दी है, या ओवर डोज दे दी है, या जो आपका क्वालिटी ऑफ केयर है वो क्या है, मेंटेन नहीं है, आप प्रॉपरली केयर नहीं दे पा रहे हो पेशेंट्स को, या केयरलेसनेस शो कर रहे हो आपको. तो ये सारी चीज़ें इम्प्रूव करने के लिए हमने क्वालिटी एश्योरेंस, जो कि हमारे स्टैंडर्ड को क्या करता है, मेंटेन करता है. द नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द मॉडल्स ऑफ क्वालिटी केयर.
So there are some models of quality care. The first one is American Nurses Association ANA model, Donovan model we had already discussed, Wilson's models, Focus PDCA model, quality management model. The first one is सिस्टम मॉडल. सो सिस्टम मॉडल्स क्या होता है आपका, यूज फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिट बेस्ड क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम एंड इट इन्वॉल्व्स मेकिंग चेंज इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड इंडिविजुअल्स रोल. एंड इन सिस्टम मॉडल टास्क इज ब्रोकन डाउन इन टू अ मैनेजरेबल कंपोनेंट एंड बेस्ड ऑन डिफाइंड ऑब्जेक्टिव. तो सिस्टम्स मॉडल्स में भी क्या है आपका, तीन प्रोसेस, इनपुट प्रोसेस आउटपुट एंड फीडबैक. ओके, इनपुट में क्या होता है आपका, कंपेयर्ड किया जाता है आपका प्रेजेंट स्टेट्स ऑफ सिस्टम्स. ओके, थ्रू आउट में क्या हो रहा है आपका, प्रोसेस में इट इज़ अ डेवलपमेंटल प्रोसेस, स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या आए हैं वहाँ पे. देन आउटपुट इज इट इज़ फिनिश्ड प्रोडक्ट और रिजल्ट, मीन्स जो भी हमारा क्या आ रहा है रिजल्ट, यूनिट बेस्ड क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम इसमें हम देंगे. इनपुट में क्या है, प्रीवियस क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम. देन प्रोसेस में स्ट्रक्चरल चेंजेस जो उसमें हुए हैं. देन आउटपुट में यूनिट बेस्ड क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम. ओके, सो फीडबैक इज अ एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ सिस्टम बिकॉज इट मेंटेन्स एंड नरिशेस द ग्रोथ. जो भी हमें क्या मिलेगा, फीडबैक मिलेगा. ओके, तो सिस्टम मॉडल्स में क्या हो रहा है आपका, इनपुट प्रोसेस आउटपुट एंड फीडबैक. इनपुट जो आपके प्रीवियसली क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम है, देन जो भी उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस आए हैं, एंड द आउटपुट इज यूनिट बेस्ड क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम. ओके, द नेक्स्ट इज एएनए मॉडल. एएनए मॉडल इज अमेरिकन नर्सेस एसोसिएशन. ये मॉडल दिया था आपके लॉन्ग एंड ब्लैक ने इन 1975 में. सो दिस इज़ द फर्स्ट प्रपोज एंड एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस विच वॉज मीन्ड फॉर द नर्सिंग प्रोफेशन बट वी यूज बाई द वेरियस अदर प्रोफेशन इन अ हेल्थ केयर. ओके, सो दिस हेल्प इन द सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ पेशेंट एंड फैमिली. नर्सिंग हेल्थ ओरिएंटेशन, पेशेंट्स राइट टू क्वालिटी केयर एंड नर्सिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस. ओके, द फर्स्ट वन इज देयर आर बेसिक कंपोनेंट ऑफ एएनए मॉडल. फर्स्ट ऑफ ऑल इज आइडेंटिफाई द वैल्यू, मीन्स आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर स्टैंडर्ड एंड क्राइटेरिया. स्ट्रक्चर प्रोसेस एंड आउटकम. तो हम स्ट्रक्चर्स में क्या करेंगे, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे वैल्यू को. ओके, सो इट लुक्स सच एज अ इशू एज अ पेशेंट फिलोसफी एंड स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव एंड वैल्यूज फिलोसफी ऑफ द हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन एंड द प्रोवाइडिंग ऑफ नर्सिंग सर्विसेज. आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर्स प्रोसेस एंड ओके. देन नेक्स्ट इज अप्लाई टू प्रोसेस स्टैंडर्ड एंड क्राइटेरिया. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे जो भी है उसकी केयर, क्या केयर हमें प्रोवाइड करनी चाहिए या क्या लैकिंग है वहाँ पे. देन हम क्या करेंगे, अप्लाई द प्रोसेस स्टैंडर्ड केयर एंड क्राइटेरिया. सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंड क्राइटेरिया फॉर क्वालिटी एश्योरेंस बिगिन विद राइटिंग ऑफ फिलोसफी एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के क्या है, फिलोसफी और ऑब्जेक्टिव है. ओके, एंड स्टैंडर्ड ऑफ स्ट्रक्चर आर डिफाइंड बाई द लाइसेंस और accreditating agencies and a group of internal or external to the agency does evaluation of the standard. Okay, of structure. So evaluation process include peer review, direct observation, intervention and questionnaire. Okay, then these are the ANA model. Structure, process and outcome. First of all, we have to identify the structure, standard and criteria. Then apply the process, standard and criteria. And the in last, the evaluate the outcome of standards and criteria. Then उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, re-evaluation भी कर सकते हैं. The first step of quality assurance process involve an evaluation of the result of the action. These are the ANA model.
So in a quality assurance model is the first one identify the value, then identify the standard and criteria, then secure the measurement, then make the measurement, okay, then identify the course of action, then choose of action. Usually various alternative of action are available to remedy a deficiency, so thus it is vital to weigh pros and cons of alternative, then take a action. It is very important, firmly establish accountability for the action to be taken and the re-evaluations. Okay, clear? Identify the values, standard, secure measurement, make measurement, then identify course of action, choose action, take action and revaluation, re-evaluations. Okay, the next is PDCA cycle model, or we can say quality management model. Okay, so the model has following concept. First is find a process to improve and organize a team that known as the process and clarify current knowledge of process and understand the causes of variation. ओके तो जो आपका पी डी सी ए साइकिल है ये क्या होता है आपका फोर स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है एंड इट इज़ यूज इन अ क्वालिटी कंट्रोल एंड इट इज़ ऑल्सो नॉन एज स्वेल्ट साइकिल डिमाइंग साइकिल ओके पी इज प्लान डी इज डू सी इज चेक एंड ए इज एक्ट तो प्लान इज establish the objectives and process necessary to deliver the result in accordance with the organization's health and safety policy. Okay, first of all we have to do plan. सबसे पहले हम क्या करेंगे plan करेंगे अपने objective का करेंगे establish करेंगे then जो भी process necessary है according to जो भी हमारे hospital की और organizations की policy है then हम क्या करेंगे do implement the process जो भी हमने प्रोसेस स्टेब्लिश कर रही है उसको हम क्या करेंगे इम्प्लीमेंट करेंगे देन चेक मॉनिटर एंड मेजर द प्रोसेस अगेंस्ट द हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स लीगल एंड अदर रिक्वायरमेंट्स रिपोर्ट द रिजल्ट एंड एट लास्ट एक्ट टेक अ एक्शन टू कंटिन्यूली इम्प्रूव द हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस एंड अप्लाई द एक्शंस टू द आउटकम्स फॉर नेसेसरी इम्प्रूवमेंट जो भी इम्प्रूवमेंट के लिए नेसेसरी एक्शंस है वो हम क्या करेंगे एक्ट करेंगे एंड अप्लाई करेंगे सो दिस मीन्स रिव्यूइंग ऑल स्टेप प्लान टू चेक एक्ट एंड मॉडिफाइंग द प्रोसेस टू इम्प्रूव इट बिफोर इट नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशंस ओके सो दीज वर ऑल अबाउट द पी डी ए साइकिल So there are some factors affecting quality assurance in nursing practice. The first one is lack of resources. You know, in India there are most of lack of resources, personal problem, improper maintenance of okay, and unreasonable patients and attendants. आपने देखा होगा पेशेंट के साथ पेशेंट एक होता है उसके साथ उसके 10 अटेंडेंट्स होते हैं तो जिसकी वजह से वहाँ पे क्या हो सकता है पेशेंट केयर प्रॉपरली हम पेशेंट्स को केयर प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं सो एब्सेंस ऑफ वेल इन्फॉर्म्ड पॉपुलेशंस एंड एब्सेंस ऑफ एक्रीडिएशंस लॉ लैक ऑफ इंसिडेंस रिव्यू प्रोसीजर्स लैक ऑफ गुड हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड एब्सेंस ऑफ पेशेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे and lack of nursing care research and miscellaneous factors there are miscellaneous factors there okay so these are the factors which affect the quality assurance in nursing practice okay then the next is role of nurse so in you know the in the patient care the most important is the nurse's role so nurses are the active participant of interdisciplinary quality improvement team so develop mechanism for continually monitoring the effectiveness of nursing care both a collaborating and a
individual, professional activities, then participating to improvement project and patient safety initiative. Okay, so these are the role of nurses, because a nurse as a mentor, as a teacher, as a advisor क्या करती है, काम करती है. तो जो मींस सबसे पहले हमें क्या करना होता है, नर्स की जो क्वालिटी है उसको क्या करना है, इम्प्रूव करना पड़ेगा. देन वी कैन गिव द क्वालिटी ऑफ केयर टू द पेशेंट. ओके, सो थैंक यू सो मच.